अगर अभी टेस्ट नहीं किए सरकारों ने और बाद में एकदम से स्थिति जब बड़ी होगी तो कैसे हालात हो जाएंगे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर आरएस चहल कह रहे हैं इस बारे में कुछ, आइए सुन लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का फैसला कि बहुत जगहों पे प्राइवेट लैब्स में हॉस्पिटल्स में कोविड की टेस्टिंग बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है। इससे क्या होगा कि आप एक सुपर स्प्रेडर्स क्रिएट करोगे। सोचो कि एक बंदा है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, उसको किसी कोविड पेशेंट से उसका कोई नाता है, तो उसको आप टेस्ट नहीं किए करोगे तो क्या करेगा। अगर ये ऐसा बंदा कोई हेल्थ केयर वर्कर हो, कोई दुकान पे काम करने वाला हो, कोई डिलीवरी बॉय हो, जो कि 100 लोगों से दिन में मिलेगा और ये सबको ये बीमारी स्प्रेड करेगा, इनको हम सुपर स्प्रेडर्स बोलते हैं। कोरिया में ऐसा ही हुआ था, एक वुहान से एक प्रीस्ट आया एक चर्च में और उसने सबको ये बीमारी दे दी। सो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे करने से क्या करेगी, ऐसे करके अपने केसेस का नंबर कम कर लेगी पर बीमारी तो वही रहेगी।